न्यूज क्लिक की तरफ से इस समय हम खड़े हैं महापंचायत जो हो रही है मुजफ्फरनगर, वहां पर उसके स्टेज पर। आज शिक्षक दिवस है और किसानों ने प्रण किया है कि वह इस सरकार को, चाहे योगी सरकार हो, मोदी सरकार हो या खट्टर सरकार, उसे एक सबक सिखाएगी, उसे एक शिक्षा देगी। यहाँ से मिशन यूपी 2022 का ऐलान होने जा रहा है। लाखों की तादाद में किसान यहाँ पहुँच चुके हैं, देश के 22 राज्यों से किसान यहाँ पहुँचे हैं और एक नया इतिहास मुजफ्फरनगर की धरती पर रचा जा रहा है। इतिहास, जो इतिहास रचा है, आपके आंसू ने इतना कमाल किया कि देश की सत्ता हिल गई। कैसा आपको आज महसूस हो रहा है, 9 महीने से आप घर नहीं गए? बिल्कुल, घर तो जाना ही नहीं है हमको। जब तक ये कानून वापसी नहीं होंगे, देश के किसानों का फैसला नहीं होगा, तो वापसी तो हमको जाना ही नहीं। घर भी अभी वापसी नहीं, अभी तो सिर्फ ये गलियारा हमको दिया गया है यहाँ आने के लिए। हम यहाँ से मीटिंग खत्म करेंगे, चले जाएंगे। किसान की जो ताकत है, इसका एहसास बहुत साल बाद आपने करवाया। आपके पिता की रैलियां हमने छोटे बच्चे थे तब सुनी थी, आपको आज कैसा लग रहा है? वही दौर है या उससे ज्यादा मजबूत दौर नहीं है? नहीं, उनसे मजबूत तो नहीं हो सकता, वही दौर है। अगर वे आज होते तो सरकारें अब तक मान जाती। आज शिक्षक दिवस है, किसान सबसे बड़ा शिक्षक है, कैसा लग रहा है आपको? तो शिक्षक से ज्ञान ले लेना चाहिए। आज सरकार को इसीलिए रखा था कि शिक्षक दिवस पे सरकारें ज्ञान प्राप्त कर ले और आज जो उनको शिक्षा दी गई है उसको ग्रहण कर ले। मिशन 2022 उत्तर प्रदेश, यहाँ से किधर निकलेगा? दोनों भागेंगे यहाँ से, मोदी भी जाएगा, योगी भी जाएगा, दोनों यहाँ के ही नहीं। योगी भी यहाँ के नहीं, कहाँ है वे यहाँ के? उत्तराखंड के, वहाँ पर लड़ाई लड़ो पड़ी, दोनों जाएंगे। आज आप क्या संदेश दे रहे हैं तमाम लोगों को, कि सारे देश की निगाहें आज आपने मुजफ्फरनगर में लगा दी हैं? देश की जनता को ये है कि जिस तरह से देश को बेचा जा रहा है, बड़ी बड़ी कंपनियां आ रही हैं, देश को खरीद रही हैं, तो ये देश नहीं बिकने देंगे, ये संदेश है। हम पूरे देश में मीटिंगें करेंगे। एक चीज जो किसान आंदोलन ने दिखाई 9 महीने में, महिला किसान को पैदा किया, आप कैसा देखते हैं? नहीं नहीं, महिला किसानों ने ही किसान आंदोलन को पैदा करा 9 महीने में। महिला किसानों ने आंदोलन को पैदा करा, जागृत करा, और ये तो आंदोलन पैदा हो चुका है। अब कहाँ दिक्कत है, अब तो आंदोलन का जन्म हो चुका है देश में। ये 9 महीने बाद में आंदोलन का जन्म ही तो है, ये हो चुका है जन्म इसका आंदोलन का। अब ये बढ़ जाएगा, आगे बढ़ता रहेगा। आगे कहाँ कहाँ आप जाने की योजना? पूरे देश में जाएंगे। आपको इस महापंचायत से क्या उम्मीद है? बहुत बड़ी उम्मीद है कि आप पंचायत नहीं है, जनता की संसद ही बनी गई है। और जो संसद में नहीं होता है, किसान मजदूर आम नागरिकों, उनके पक्ष में कानून बनाना और हर विरोधी नीति को रद्द करवाना, वो जन संसद में ही हो सकता है। इसलिए पंचायत तो ग्राम सभा के साथ जुड़ी होती है, ये तो अब देश की आम सभा हो गई है। और ये किसानों के कानून तो रद्द करवा के ही रहेगी, पर पूरे देश में जो परिवर्तन लाना है, निजीकरण के खिलाफ, देश बेचने वालों के खिलाफ, वो भी लाने की क्षमता रखती है, ये जाहिर है। इस महापंचायत से एक बहुत बड़ा फैसला लेने जाएंगे हमारे संयुक्त किसान मोर्चा के लीडर, और उससे सरकार पे पूरा दबाव पड़ेगा। और माताओं बहनों का मैं ये कहूँगी कि माताएं बहनें इतना जागरूक हो चुकी, पहले लोग सोचते थे कि सिर्फ चूल्हा चौकी तक है या खेत का काम करने या बच्चा पैदा करने की मशीन, लेकिन इस आंदोलन में माताओं बहनों को एक नई पहचान मिली है। वो माताएं बहनें जो घर से घूंघट के अंदर रहती थी, लाखों की भीड़ में स्टेज में चढ़ के वो अपने विचार रखना शुरू कर दिया, सरकार से सवाल जवाब करना शुरू कर दिया, अपने हकों को पहचानना शुरू कर दिया। तो माताओं बहनों के लिए किसान आंदोलन एक वरदान है, बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने का एक मतलब। नहीं तो माताओं बहनों, पहले पंचायत घर में तो माताओं को जाने भी नहीं दिया जाता था, इजाज़त ही नहीं होती थी पंचायत में जाने की। 50 गाड़ी आ रही है हमारी कंडेला खाप से, महिला खाप से। हाँ, 50 गाड़ी। क्रांतिकारी नेता महिला खाप, पहले तो हरियाणा में बिल्कुल महिलाएं बाहर निकलती नहीं थी, निकलने दिया नहीं जाता था। मैंने बहुत खाप पंचायतें की है। नहीं लकड़ती थी महिला खाप पंचायत, पहली बार कंडेला गाँव में मैंने करी थी, वहाँ शुरू में मैंने करी थी महिला का। जब पाछा सारी महिला आगे आने लगी, जब पाछा फिर माइये टोल पोई दूसरी पंचायत महिलाएं की। मुजफ्फरनगर पहले कभी आई है? नहीं, पहले आई है, अभी पहले आई हूँ।
महाराष्ट्र और मुजफ्फरनगर बहुत अलग अलग है। हाँ बिल्कुल। आपको क्या लगता है यहाँ से क्या निकलेगा? यहाँ से हम तो अभी गाजीपुर बॉर्डर पे से एक तारीख से थे, वहाँ पहले भी आ गई हूँ मैं जनवरी में किसान आंदोलन में, उसके बाद अभी आई हूँ। तो आज चार दिन से हमारी वहाँ सभा चल रही है। वहाँ मैंने देखा कि यहाँ जरा किसान के महिलाएं खेत में जो काम करती है महिलाएं, वो भी किसान है, तो थोड़ा सा स्टेज पे महिलाओं की कमी लगती है। गर्दी तो होती है महिलाओं की, लेकिन उनको भी स्टेज दिया जाए ऐसा लगता है। और किसान आंदोलन के यहाँ आने पर तो किसानों की ताकत देके बहुत खुशी हुई। सरकार को तो इसके इस पे अपने पीछे हटना ही पड़ेगा। आपने खापों के खिलाफ और खाप जिस तरह से महिला विरोधी है उसके खिलाफ बहुत इम्पोर्टेंट आंदोलन हरियाणा में किया, आज खापें दूसरी भूमिका में है, कैसा लगता है आपको? देखिए, देश के अंदर बहुत अलग अलग स्तर की लड़ाइयाँ चलती हैं यहाँ पे, और हम ये जो आंदोलन है ये खाद्य सुरक्षा के लिए आंदोलन है, और ये जो आंदोलन है ये मैक्सिमम यूनिटी का पॉइंट है स्ट्रेटेजिकली। और इस समय पे जो बीजेपी की फासिस्ट और तानाशाह सरकार है उससे जीतना, इन तीनों काले कानूनों को पीछे धकेलने के लिए, तो क्या खापे बदली हैं? निश्चित रूप से इस आंदोलन के अंदर जो भी शामिल है हर इंसान बदल रहा है यहाँ पे, और पूरा देश बदल रहा है एक तरह से। सामाजिक सांस्कृतिक स्तर पे जिन महिलाओं को लोग घरों से बाहर नहीं निकलने देते थे, आज वो महिलाएं जो हैं अपना ट्रैक्टर लेके रैली में आ रही हैं, वो नारे लगा रही हैं, वो गीत गा रही हैं, वो भाषण दे रही हैं, वो गांव-गांव जाके आंदोलन के हक में मोबिलाइजेशन कर रही हैं। तो हर इंसान, हर कण कण बदल रहा है इस देश का, और इसमें डिपेंड करेगा कि आने वाले समय में जो ऑर्गेनाइज्ड मूवमेंट है, विमेन मूवमेंट है, किसान मूवमेंट है, वो उन चीज़ों को सामाजिक बदलाव के लिए कितना आगे लेके जा सकता है। पोटेंशियल बहुत है इसके अंदर। पंचायत के साथ आए हैं, किसान भाइयों के साथ है। हाँ, पहले कभी आए हो मुजफ्फरनगर? ना, ये पहली बार आए हैं। कितनी औरतें आई है? 5 गाड़ी ट्रैक्टर ट्रालिया। बिंदु, आप कितने लोग पंजाब से आए हैं, कितनी औरतें आई हैं? 80 पंजाब से, 1000 पंजाब महिलाएं और 5000 से ज़्यादा पुरुष और युवा आए हैं। कितनी बसों में आए आप? हमारी जो बसें हैं सैकड़ों की गिनती में, हमारी बड़ी बसें हैं, मिनी बसें हैं, और जो हमारे बंद गड्डियाँ हैं वो भी काफ़ी गिनती में हैं। कभी पहले मुजफ्फरनगर आए आप? नहीं नहीं, हम पहले कभी मुजफ्फरनगर नहीं आए, कभी कुरुक्षेत्र नहीं आए, कभी यूपी में नहीं आए। ये हमारा जो संघर्ष है, जो आंदोलन है, ये लेके आया है। औरतें इतनी किसान आंदोलन में पंजाब में तो रही हैं, यूपी में तो रही नहीं है, आपको देख के कुछ औरतें आएंगी क्या? जी जी, जब से पंजाब से आंदोलन शुरू किया था तो हमारा जो पड़ोसी गांव हरियाणा है वहां की महिलाएं आई थी, और जब हम यूपी में आए हैं, खास करके जो मुजफ्फरनगर जहां बीजेपी सरकार ने आपकी गंदी रणनीति कारण मुसलमानों पे अत्याचार किया था, कत्ल किया था, दंगे किए थे, वहां आने का हमें जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है, इसका हमें मान है कि जहां भी जो महिलाएं हैं हमारे जैसी दबी हुई है, हमारे जैसे उन पर जबर है और महंगाई का हमला है, वो भी इस आंदोलन में शामिल होगी, हमें इस गल की आशा है। यहाँ पर जो लोग आ रहे हैं, ये जो मुजफ्फरनगर है, जिस तरह से तमाम संगठन इसमें जुड़े हैं, तो आपको लगता है कि सरकार सुनेगी कुछ? देखिए, सरकार को तो सुनना ही पड़ेगा, क्योंकि आप देखिए ये मुजफ्फरनगर में ये रैली लेने का और एक भी बहुत बड़ा महत्व है। आप जानती है 2013 में इसी मुजफ्फरनगर में बीजेपी और आरएसएस ने बहुत ही बड़ा दंगा फसाद ये किया था, उससे एक सांप्रदायिक ध्रुवीकरण हुआ था पूरे उत्तर प्रदेश में और उत्तर भारत में, और उसी के चलते बीजेपी 2014 में देश में सत्ता में आ गई। आज उसी मुजफ्फरनगर में हिंदू किसान, मुस्लिम किसान, बाकी सभी धर्मों के और जातियों के किसान एक साथ आए हैं ये 8 साल के बाद, और ये किसान आंदोलन की वजह से आज ये एकता पूरे धर्म और सभी जातियों को लेकर आज यहाँ निर्माण हुई है। और इसलिए
ये सरकार सुने न सुने, हाँ हमारा तो कहना है 3 कृषि कानूनों को वापस लेना चाहिए, ये MSP वाला कानून बनना चाहिए, बिजली वो जो बिल है वो वापस लेना चाहिए, और अगर ये नहीं होगा तो जनता यूपी और उत्तराखंड के सरकार को हराएगी और उसके बाद 2024 में नरेंद्र मोदी और अमित शाह की सरकार जो पूरी प्रो कॉरपोरेट सरकार है उसको भी पूरे भारत की जनता हराएगी। इसकी शुरुआत आज मुजफ्फरनगर से हो रही है। ऐसा है, किसान को चाहिए अपनी फसल का वाजिब दाम, ठीक है, वो उसको मिलता नहीं, उससे 6,000 रुपये एक साल में एक किसान को ये देते हैं, लेकिन अगर उसकी फसल का सही दाम दें तो उसको एक किसान को कम से कम 1,00,000 रुपये का एक साल में नुकसान करते हैं। उन्हीं 1,00,000 रुपये में से ये 6,000 रुपये किसान को दे कर बहका रहे हैं, 94,000 रुपये का एक सीधा सीधा किसान को लाभ दे रहे हैं। रही आपने एक और सवाल किया था, वो क्या किया था कि ये राशन बांट रहे हैं इससे आंदोलन कमजोर होगा, ये राशन नहीं बांट रहे हैं, BJP अपना प्रचार कर रही है, घर घर तो पहुंच गए ना वो, ये अपना प्रचार कर रहे हैं। 10 रुपये का राशन है, 165 रुपये का ठेला है, जो हम लोगों से लिया हुआ टैक्स है उसका दुरुपयोग ये अपने प्रचार में कर रहे हैं, इसको जनता समझ रही है, ऐसी कोई बात नहीं है, इनको तो अब फ्री छोड़ दिया, तुम्हें जो करना है करो, जो हमें करना है वो हम करेंगे। अभी चुनाव पंजाब में भी हैं, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड सब जगह हैं, यहाँ उत्तराखंड यहाँ मुजफ्फरनगर से आपको क्या लगता है क्या होगा? बिल्कुल जी, 5 राज्यों की बात आपने की, इलेक्शन आ रहा है तो पंजाब में तो हम इसको खाता नहीं खोलने देंगे, सांस तक लेने नहीं देंगे, क्योंकि हमारा भाईचारा BJP के खिलाफ है, जो 3 काले कानून BJP ने हमारे ऊपर थोपे है उसकी वजह से हमारे पंजाब में पूरे देश का किसान खिलाफ है। आपने बात की मुजफ्फरनगर की, तो हमने ये मिशन यूपी लेकर चल रहे हैं, हम चैलेंज लेकर चलेंगे, तो BJP को जो प्राइम मिनिस्टर को कुर्सी जाती है, सीढ़ी लगती है, वो यूपी से चलती है, तो यूपी वाली सीढ़ी हम तोड़ेंगे, तो BJP को सत्ता से बाहर करेंगे, हम एक एक चूल्हे तक हम अपना लेटर लिखेंगे, कैंपेनिंग करेंगे, बहुत बड़ी संख्या में हम इधर आएंगे और कैंपेनिंग करेंगे, तो पूरे 5 राज्यों में BJP को सत्ता से बाहर करेंगे। बाहर इसलिए करेंगे कि हमारी ये बात नहीं सुन रहे, हमारे से बात करें तो यह हमारी लड़ाई कानूनों से और BJP से है, हमारी बात सुन लेते तो कोई लड़ाई नहीं, जे जितनी देर हमारे ये 3 काले कानून वापस नहीं लेते तो हम दौलन दिल्ली के बॉर्डर पर तमल के बैठे हैं, 5 राज्यों में भी बड़ी संख्या में हम ये दौलन शुरू कर रहे हैं, जिसकी शुरुआत यहाँ से हो रही है, पवित्र धरती है। देखिए, एक सबसे बड़ी जीत हमारी इस पंचायत की ये है कि जो शुरुआत BJP ने देश को तोड़ने की मुजफ्फरनगर से की थी, हमने यहाँ देश को जोड़ने की शुरुआत कर दी है, और जिस प्रकार से देश को जातीय आधार पर बांट दिया गया था, धर्म के आधार पर बांट दिया था, ये किसान मजदूर का स्पष्ट संदेश है, ये देश हमारा है और हम भाईचारे के साथ रहेंगे, और ये सरकार को हमारा पहला शक्ति प्रदर्शन भी है कि ये अगर सरकार नहीं मानती है तो ऐसी इसके अलावा 17 पंचायतें हम और करने वाले हैं, और क्योंकि देश के अंदर लोकतांत्रिक सरकार है, जनता की सरकार है, तो हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं लोकतांत्रिक तरीके से, अन्यथा हमारा अगर संयम जवाब देगा तो ये समस्या देश की जनता के लिए भी होगी, देश के नेताओं के लिए भी होगी, और उन अधिकारियों के लिए भी समस्या होगी जो अधिकारी सरकार के आदेश पर किसानों का सिर फोड़ने का काम कर रहे हैं। इस मंच महापंचायत के बाद क्या 17 पंचायतें और होंगी यूपी में, 30 नवंबर तक 17 बड़ी पंचायतें होंगी, उसके बाद आगे की रणनीति तय करेंगे। एक चीज आपसे पूछनी थी, ये मुजफ्फरनगर है, यहाँ पर 2013 देखा, क्या 2013 का खात्मा होगा यहाँ पर? 2013 तो खत्म हो गया, 2013 की गलती का सबको एहसास हुआ और सब भाईचारा जैसे पहले था वैसा ही भाईचारा। मिशन यूपी यानी क्या? मिशन यूपी मैंने बताया कि पूरे प्रदेश में एक जनजागरण अभियान है, हम घर घर में जाके बताएंगे कि सरकार हमारे साथ किस तरह का अन्याय कर रही है। क्या इसमें गैर जाट भी शामिल है? हैं जी, गैर जाट तमाम जातियां, आप यहाँ घूम के पूछ लें, हिंदू है, मुस्लिम है, ब्राह्मण है, नाई, तेली, गुजर, अहीर, जाट, राजपूत, सब यहाँ पे, हर दलित भाई यहाँ पे है, सबके सहयोग हैं, सबके सहयोग से हो रहा है।
एकता बनी रहेगी, ये एकता बनी रहेगी, हिंदू मुसलमान नहीं होगा, ये बनी रहेगी और बहुत आगे और मजबूत होगी। जी को लगती है तेरी बात खरी है शायद, वही शमशेर मुजफ्फर नगरी है शायद। शमशेर की इसी मुजफ्फर नगरी में आज इतिहास रचा गया 5 सितंबर 2021 को जो महापंचायत हुई, जिस तरह से ऐलान हुआ यूपी 2022 मिशन का आगाज़ हुआ, जिस तरह से लाखों लाख किसान यहां पहुंचे, हज़ारों की तादाद में महिला किसानों ने अपनी दावेदारी ठोकी, उससे एक बात बहुत साफ है कि 3 कृषि कानूनों के खिलाफ खड़ा हुआ ये आंदोलन अब सीधे सीधे सत्ता को चुनौती दे रहा है। जिस तरह से योगी सरकार ने कहा था, टिकैत को चुनौती दी थी कि आप लखनऊ आके दिखाइए, सवाल सिर्फ लखनऊ और मुजफ्फरनगर का नहीं है। यहाँ पर हमने देखा कि 22 राज्यों से किसान के प्रतिनिधि आए हुए थे, बड़े पैमाने पर लोगों में गुस्सा है और अब ये जो सैलाब यहाँ से शुरू हुआ है यह थमेगा बहुत दूर, इसकी छाप पूरे देश में जाएगी। और ख़ास तौर से 2013 में जिस तरह से मुजफ्फरनगर को जलाया गया था, जिस तरह से हिंदू मुसलमान तनाव करके भाजपा शासन में आई थी, शायद किसानों का मानना है कि आज 2021 में उस शासन के खात्मे का ऐलान इस मंच से किया गया है।